अगर मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ या एहतजाज करना है तो गुजरांवाला बार इस सिलसिले में हरावल दस्ता होगी। एक सियासी जमात हर वक्त ये तकरीर करती थी कि वोट को इज्जत हो, अब पूरी कौम कहती है कि वोट को इज्जत हो, लेकिन इसके बावजूद वोट को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इंशाल्लाह आइन की 5 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ उसकी तकरीम के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़े हैं, और मेरी इल्तमास होगी तमाम भाइयों से कि पाकिस्तान के पासवान बने, सुप्रीम कोर्ट के पासवान बने। सर इंतहाई मुख्तसर सी बात, आईने पाकिस्तान पाकिस्तान की बुनियाद है, ये हिल रही है, इसको आप लोगों ने संभाला देना है, बस। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। राइट टू रूल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका है जिसे लोग मैंडेट देते हैं। कोई भी जमहूरी निजाम हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है और ये सिंपल रीडिंग है कि जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव, बेशक वो चीफ मिनिस्टर हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव नहीं हुई हुई तो 90 डेज में इंतखाबात होने हैं। ये जो अलल्ले तलल्ले हैं, ये जो टेक्निकलिटीज हैं कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बातें मत समझाएं। पंजाबी में कहते हैं रोंदी ना मारो, इलेक्शन करवाएं, जिसको लोग चूज कर लेंगे वो मुझे रूल करेंगे। और अगर आपको आईन में कोई दफा पसंद नहीं है, 2/3 मेजोरिटी से उसे अमेंड कर लीजिए, ये वक्त तो जब आएगा तब आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दी वो आईन के मुताबिक है। पाकिस्तान की किसी कोर्ट का कोई डिसीजन ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि 90 डेज से बियॉन्ड इलेक्शन हो सकता है। जब 90 डेज से बियॉन्ड इलेक्शन नहीं हो सकता, उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, सिंपल इज दैट।